हेलो फ्रेंड्स, अदीप दास्तान स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि निखिल और रक्ष के बीच कुछ बातें होती हैं, मतलब कुछ बात करने के लिए रुकते हैं। तो रक्ष निखिल को बोलते हैं कि पहले आप कहिए आपको क्या बात करनी है। तो निखिल कहता है कि आपको कल श्रुति के साथ डॉक्टर के पास जाना होगा। तो रक्ष कहती है मुझे पता ही था। कहती है मतलब, वो कहते हैं मतलब कि ऐसी कंडीशन में डॉक्टर को पार्टनर की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, लेकिन मेरी बात कोई सुनना ही नहीं चाहता था। सबको ये लगा कि मैं श्रुति का ध्यान ही नहीं रखती सही से, तो क्या ही कह सकते थे। तो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। कहता है कि ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो, जस्ट सब वरिड है उसको लेके, और कोई ऐसी बात नहीं है। तो पक्ष कहते हैं कि मुझसे ज़्यादा वरिड है सब, तुम भी तो निखिल कहता है लिसन अक्ष, जब से आप आए हो आप मेरे साथ अजीब बिहेव कर रहे हो। आई रियली डोंट नो वाई, बट मैं जेन्युइनली श्रुति के लिए कंसर्न हूँ। वो मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त है और यही रीज़न है कि मैं उसकी हेल्प करना चाहता हूँ। तो नेक्स्ट कहते हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप उसके फ्रेंड हो, आप उसकी हेल्प करो। श्रुति की अगर कोई हेल्प करता है उसके ठीक होने में तो वो भी मेरा दोस्त ही है, लेकिन जो मैं सुन रही हूँ उस हिसाब से तो आप मुझे दोस्त नज़र आ नहीं रहे हो। तो मैं क्या करूँ फिर? तो निखिल कहता है कि ऐसा हुआ क्या है जो आप इतना परेशान हो? मुझे पता चले तभी तो कुछ कहूँ। तो कहती है कि मैंने सुना है श्रुति के पापा आपसे श्रुति की शादी कराना चाहते हैं, प्लीज़ झूठ मत बोलिएगा। मैंने बहुत क्लियरली आपसे एक क्वेश्चन किया है और उतनी ही ईमानदारी के साथ मैं आपसे इसका जवाब जानना चाहती हूँ। आई होप आप पूरी ईमानदारी के साथ जवाब देंगे। तो निखिल थोड़ी देर खामोश रहता है और उसके बाद वो कहता है कि सही सुना है आपने, श्रुति के पापा श्रुति से मेरी शादी कराना चाहते हैं, एंड उन्हें लगता है कि I'm the best for her। मुझे नहीं पता ऐसा क्या है जो उन्हें ये सोचने पे मजबूर करता है, बट मैंने अंकल को आज तक किसी चीज़ के लिए ना नहीं कहा है, तो शायद तक्ष कहती अच्छा तो आपने किसी चीज़ के लिए ना नहीं कहा है, दैट्स वाई आप श्रुति के साथ शादी करेंगे, एम आई राइट? तो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, और श्रुति के साथ शादी मुझे नहीं करनी है, बट अंकल को ना कहना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, इसलिए अगर आप कोई बीच का रास्ता निकाल लें तो अच्छा है, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे शादी नहीं करनी है, मैं ये भी नहीं कह सकता कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, क्योंकि अंकल ये सब चीज़ें पहले ही कर चुके हैं, तुम्हारे आने से पहले ये सारी बातें हो चुकी हैं। तो अक्ष कहते हैं कि तुमने ये क्यों नहीं कहा कि श्रुति किसी और की है तो तुम उसके साथ
शादी नहीं कर सकते। तो निखिल कहता है कि मैंने कहा था, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैंने कहा नहीं होगा? बिल्कुल कहा था, और क्यों नहीं कहूँगा। बट उन्होंने मुझसे कहा कि तुम श्रुति का ख्याल ही नहीं रखते, श्रुति से तुम्हें प्यार ही नहीं है, तुम जस्ट, श्रुति तुमसे प्यार करती है, तुमने कभी उससे प्यार किया ही नहीं, और पहले भी तुमने उसे काफ़ी परेशान किया है। तो बस ये रीज़न था कि मैं उस समय कुछ उन्हें बोल नहीं पाया, मैंने ना हाँ की और ना की। तो अक्ष कहता है कि अब क्या लगता है तुमको, ये भी बता दो। तो कहता है कि मुझे क्या लगना है, इफ़ यू लव हर देन मेरा बीच में आने का कोई मतलब नहीं बनता अक्ष। बट तुम करोगे क्या, क्योंकि अगर वो मुझसे नहीं कराएंगे तो किसी और से कराएंगे। इस समय जो उनके सर पे है सवार, उस हिसाब से तो वो श्रुति को किसी और के साथ शादी करवा देंगे, है ना। तो ये तुम्हें देखना है कि तुम ऐसा क्या करो कि ये शादी हो ही ना। कहती है कि मेरी शादी ऑलरेडी उससे हो चुकी है, ये बात वो क्यों नहीं समझ रहे हैं। तो कहता है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, बट कोई प्रूफ है कि तुम दोनों ने शादी की है? बताओ, है कोई प्रूफ? अगर है तो कोई नहीं रोक सकता, कोई फोटोग्राफ्स कुछ भी बोलो। तो थोड़ी देर सोच में पड़े रहते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि यहाँ का प्रोसेस क्या है। तो कहते हैं यहाँ शादी बिना रजिस्टर्ड हुए शादी नहीं मानी जाती, और तुम लोगों के लिए शायद कुछ अलग लॉ है, तो या अलग भी नहीं होगा, सेम ही होगा। तो तुम्हें पहले वो पता करना पड़ेगा, और श्रुति की जो कंडीशन है इसमें तुम अपनी शादी को वैलिड नहीं करा पाओगे, तो उसके लिए श्रुति का सही होना ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है तो तुम वैसे भी इस शादी को लीगल नहीं करा पाओगे बिना श्रुति के। तो श्रुति का हर कंडीशन में सही होना तुम्हारी शादी बचा सकता है, नहीं तो नहीं बचा सकता। और श्रुति के पापा के पास पूरा हक है उस नाते कि वो उसकी शादी दोबारा करा सकते हैं। तो अक्ष काफ़ी सोच में पड़ जाते हैं, और निखिल कहता है कि तुम्हारे शादी की फ़ोटोग्राफ्स तो होंगी। तो अक्ष कुछ नहीं बोलती, वो चुप हो जाती है। तो कहता है अक्ष ट्रस्ट मी यार, मैं उसकी खुशी चाहता हूँ, और अगर उसकी खुशी तुम्हारे साथ है, शी लव्स यू, तो मुझे तुम दोनों के बीच में आगे कुछ मिलेगा नहीं, ट्रस्ट मी। तो मुझे बताओ अगर तुम्हारे पास फोटोग्राफ्स या कुछ हैं तो उससे हम इसे वैलिड करवा सकते हैं, नहीं तो तुम्हें श्रुति के ठीक होने का इंतज़ार करना ही पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। तो अक्ष कहते हैं नहीं है यार, उस समय जो सरकमस्टांसेस थे, जिस कंडीशन में हमारी शादी हुई थी, वो बिल्कुल अलग थे, और नहीं है मेरे पास कोई प्रूफ। तो अक्ष कहते हैं
वो निकल गया था कि फिर सोचा है क्या करना है और कैसे करना है। बिना किसी प्रूफ के कैसे इसको वैलिड करोगे? तो शायद देखते हैं क्या कर सकते हैं। और निखिल ये बोल के वहाँ से चला जाता है। श्रुति अंदर वॉशरूम जाती है और वहीं लेट जाती है, उसे थोड़ा सा चक्कर आ रहे होते हैं। तो अक्ष जो है काफ़ी देर तक बैठ के यही सब सोचते रहते हैं और ये सोचने लगते हैं कि कैसे क्या किया जाए कि यहाँ पे शादी को वैलिड किया जाए और जो श्रुति के पापा चाह रहे हैं उसे होने से रोका जाए। वो यही सब सोच रहे होते हैं तभी उन्हें याद आता है कि उन्हें इमा से मिलने जाना है आज। तो वो श्रुति को देखने लगते हैं, कहते हैं यार श्रुति नहीं आई अभी तक, कहाँ रह गई है? तो कह रही थी कि मैं अभी आती हूँ। और ये सोच के वो उठते हैं और रूम में जाते हैं, देखते हैं कि श्रुति वहाँ लेट गई होती है। तो अक्ष कहते हैं कि श्रुति नींद आ रही है क्या? तो कहती है हाँ, पता नहीं चक्कर से आ रहे हैं और नींद भी आ रही है। तो कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम रेस्ट करो और मम्मी भी अभी आने वाली होंगी, मुझे एक ज़रूरी काम है तो मैं होके आऊँ। तो श्रुति थोड़ा नींद में होती है तो वो इतना ध्यान नहीं देती उसकी बात पे और कहती है हाँ ठीक है, वो बोल देती है। और अक्ष वहाँ से बाहर आ जाते हैं। जैसे वो बाहर आते हैं देखते हैं कि उनकी सासू माँ आ चुकी होती हैं। तो वो जाके कहते हैं कि आप आ गए, थैंक यू, मुझे ना कहीं अर्जेंटली जाना है, तो आप श्रुति का ध्यान रखिएगा। और वैसे मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप रखोगे, बट फिर भी मैंने कह दिया। तो कहते हैं ठीक है तुम जाओ, बट तुम्हें जाना कहाँ है? तो कहते हैं कि मुझे इमा से मिलना है और कुछ बातें करनी है उससे। तो कहते हैं अच्छा ठीक है जाओ, पैसे वैसे हैं ना तुम्हारे पास? तो कहते हैं जी मैम है मेरे पास, आप बस श्रुति का ध्यान रखिएगा, उसे मत बताइएगा मैं हेमंत से मिलने जा रही हूँ। तो कहते हैं कि ठीक है। और ये कह के अक्ष वहाँ से निकल जाते हैं और जाके वो हेमा को पहले ही कॉल कर चुके होते हैं। तो हेमा वहाँ इंतज़ार कर रही होती है अक्ष का। जैसे ही अक्ष आते हैं तो हेमा खड़ी होती है और अक्ष को दो मिनट के लिए तो वो बड़े ध्यान से देखती है, देन वो आगे बढ़ती है और अक्ष को हक करती है। और अक्ष भी उसको हक करते हैं, ग्रीट करते हैं और उसे कहते हैं कि थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, तुमने मेरी इतनी हेल्प की, अगर तुमने नहीं बताया होता तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलता और शायद पता नहीं कैसे क्या ही हो जाता। तो हेमा कहती है इट्स ओके, शी इज़ माई फ्रेंड और उसकी हेल्प करने में कोई बुराई नहीं है, बट अभी तुमने सोचा क्या है वो बताओ। तो वो निखिल से हुई सारी बातें हेमा को बताती है। हेमा कहती है कि हाँ वो बोल तो सही रहा है बट ये होगा कैसे, श्रुति कब तक ठीक होगी कोई आइडिया नहीं है। वो घर से बाहर ही नहीं निकलती है कि वो थोड़ा चीज़ों को भूले और उस पर थोड़ा फ़र्क पड़े, घर के अंदर ही रहती है तो ये सारी चीज़ें घर के अंदर कैसे पॉसिबल होंगी। उसे ठीक करने के लिए उसका घर से निकलना बहुत ज़रूरी है। तो अक्ष कहते हैं यार राइट, और प्रूफ मेरे पास कोई है नहीं, मैं क्या करूं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो कहती है कि ट्राई करो वो घर से बाहर निकले और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तुम दोनों एक दूसरे के साथ बिताओ, ये ट्राई करो। तो कहती है
करते हैं। कुछ तो करना ही पड़ेगा, ऐसा तो चलेगा नहीं। कहती है कि थोड़ी देर फिर ये लोग ऐसे ही श्रुति के बारे में बातें करते हैं और एमा जो है कहती है कि मेरे घर चलो, तो अक्ष कहते हैं कि आपके घर। कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें अपनी सिस्टर से मिलवाती हूँ, शी इज़ प्रेगनेंट। तो अक्ष कहते हैं कि नहीं, मैं फिर कभी आऊँगी श्रुति के साथ। तो कहती है कि क्यों, श्रुति के साथ ही क्यों, ऐसे भी चल सकते हो आप, वहाँ रुक सकते हो, बातें कर सकते हो। तो कहती है हाँ बेशक, बट अभी श्रुति को मेरी ज़रूरत है ना, तो मैं बाद में आती हूँ उसको लेके, उसे भी अच्छा लगेगा। तो एमा के दिमाग में प्लान आता है, कहती है हम गेट टुगेदर करते हैं ना, मेरी सिस्टर उसकी काफ़ी अच्छी फ्रेंड है, तो शायद कुछ हेल्प हो, एंड शी इज़ प्रेग्नेंट, तो शायद श्रुति की थोड़ी हेल्प हो जाए। तो कहती है कि ठीक है, मैं अभी घर जाती हूँ, तुम आज शाम को या कल तक घर आना, वहीं डिस्कशन कर लेना श्रुति से, मना लेना उसे, क्योंकि मैं कहूँगी तो उसे शक हो सकता है ना, और मैं नहीं चाहती उसे किसी भी तरीके का स्ट्रेस हो। तो ये सारी बातें उन दोनों के बीच में होती हैं। अब आगे क्या होगा ये हम कल सुनेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट।